बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान के शहर शहर आप देख रहे हैं के टू शहर। मैं हूँ रिदा इमरान और आपसे मुलाकात होती है एवरी मंडे एंड ट्यूसडे सुबह 10 से लेकर 11:30 बजे तक। कोशिश हम करते हैं कि दिन का आगाज जो आप मेरे साथ करें वो बड़े अच्छे से हो जाए। बड़े पॉजिटिव वोट के साथ हम शुरू करते हैं दिन का आगाज़ करते हैं, क्योंकि अगर किसी भी काम का आगाज़ या बिगिनिंग जो है वो अच्छी हो जाए तो इख्तिताम तक हम बड़े खुशी पहुँच जाते हैं, कोई नेगेटिव गुमान जहन में नहीं आता। तो जनाब आज है 12 फरवरी, यानी कि अच्छा लग रहा है ऐसे कि बाहर शुरू हो गया, गर्मी की आमद है। वैसे भी लगता है मुझे इस साल जो सर्दी है वो सिर्फ एक महीने के लिए पड़ी थी, वो भी ड्राई किस्म की सर्दी थी, और उसके बाद फिर अब बाहर शुरू हो चुकी है। मौसम इस्लामाबाद पिंडी में तो काफ़ी हद तक तब्दील हो चुका है, शाम की और सुबह की ज़रा खुनकी सी है, लेकिन दिन जो है ना वो धूप अच्छी खासी हुई है ना, उसमें गर्मी आनी शुरू हो गई है। तो फिर से वही घर की जो घरेलू खवातीन उनकी रूटीन होगी, किस तरह से कपड़े समेटना, पेटी में रखना, संभालना बड़ा मुश्किल काम है। जिस तरह से खाना पकाने में आप सारा दिन लगा देते हैं लेकिन 10-15 मिनट में खाना खा लेते हैं और घंटा लगता है बर्तनों को धोने में और समेटने में, उसी तरह से सर्दियाँ में इंजॉय तो करते हैं, मौसम जब तब्दील होता है तो फिर उसको समेटना, कपड़ों को अलमारियों में रखना या आपने जहाँ स्टोरेज करना वो बड़ा लंबा काम होता है और बड़ा मुश्किल काम होता है। तो आप तैयारी, जितनी भी खवातीन है ना वो तैयार हो जाएं, आई थिंक 2 हफ्ते की बात है मौसम फिर कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। तो जनाब आज के प्रोग्राम में हमेशा की तरह से हमने कोशिश की है कि आपको मज़ेदार से मेहमानों से मिलाएँ, और एक्चुअली बड़े अच्छे मेहमान हैं, थोड़े से रेबल हैं, रिबेलियस कह सकते हैं उनको, लेकिन पॉजिटिव वाला रिबेलियस है। ये भी खाम खाई कि बिला वजह की बगावत कर दी विद अ कॉज, उनसे आपको मिलाएंगे और उनका हम वेट कर रहे हैं कि जब वो आए तो फिर आपको बताएं किस तरह से आप ज़िंदगी को पॉजिटिव तरीके से गुजार सकते हैं, कि जहां आप अपने लिए भी सोचें कि आपके लिए क्या फ़ायदा है और दूसरों के लिए भी फ़ायदा हो। लेकिन उससे पहले हमारे पास हमारी सुपर शेफ़ ज़ैनब मौजूद हैं, वो आज क्या बना रही है वो भी आपको बताएंगे। आपकी कॉल्स होंगी 0514102251 पर, आप कॉल करेंगे और प्रोग्राम में शामिल हो जाएंगे। कैसे गुजर रहे हैं आपके शब और रोज़, और क्या प्लानिंग है आपके आज के दिन की, क्या पकाना है, ऑफिस जा रहे हैं, नहीं गए, रास्ते में हैं, जो भी है ज़रूर डिस्कस करें। रास्ते का मैंने इसलिए कहा था कि हमारी जो K2 की ऐप है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिस पे आप, हालांकि ड्राइव करते हुए ये काम नहीं करना चाहिए लेकिन कम से कम आवाज़ तो सुनते रहे ना, उस पर आप लाइव देख सकते हैं हमारा मॉर्निंग शो। और लेट्स सी कि आज हमारे सेगमेंट, कुकिंग सेगमेंट में ज़ैनब हमारे लिए क्या लेकर आई हैं। एंड इफ़ यू वांट टू डू एनीथिंग अबाउट रेसिपीज, अबाउट कुकिंग, तो हमारी सुपर शेफ मौजूद हैं। आइए मिलते हैं ज़ैनब से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग ज़ैनब। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? मैं ठीक ठाक, आप बताएं? बस तैयारी लग रही है आज, ये मुझे लगता है आपका जो है कलर है। एग्जैक्टली, हम दोनों का। अच्छा, मैं और ज़ैनब कोऑर्डिनेट नहीं भी करते तब भी कैसे कुछ हो जाते हैं, सही रंग हमारे जैसे, प्यार मोहब्बत है हमारी। क्या बोलेंगे प्यार मोहब्बत से? आज जो है वो चिकन शाश्लिक बन रहा है और स्टिक्स बन रही है, उसके साथ जो है मैं इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ व्यूअर्स को। और उसमें यह है कि मैंने जो चिकन लिया है वो बोनलेस लिया है, वो है 500 ग्राम, आधा किलो, ठीक है। और इसमें जाएगा लहसुन 1 टीस्पून जाएगा, आप पेस्ट की शक्ल में डाल दें, पाउडर की शक्ल में डाल दें, मैंने इसको चॉप किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इस मसाले में ये है कि मैंने इसमें 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाला है, ज़ीरा पाउडर डाला है 1 टीस्पून, साथ में इसमें गरम मसाला 1 टीस्पून गया है, कोरिएंडर पाउडर जो है वो, धनिया पाउडर जो होता है वो 1/2 टीस्पून ऐड हुआ है, और साथ में इसमें नमक जो है वो ऐड हो जाएगा। फिर आपको 1 टीस्पून रेड चिली सॉस जाएगी, सॉस सोया सॉस जाएगी 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून जो है विनेगर जाएगा। अभी हमारे पास टाइम नहीं है, हम इसको मैरिनेट करने के लिए 1 से 2 घंटे रख सकते हैं, टाइम अभी नहीं है, लेकिन हम फौरी तौर पे हम बनाएंगे। साथ में जो है हम स्टिक्स पे, ये जो शाफिक स्टिक्स, बैम्बू स्टिक्स मिल जाती हैं हमारी, ये इसके ऊपर हम इसको परोएंगे। पहले हम जो है वो कैप्सिकम को स्क्वायर शेप में काटेंगे, वो हम इस पर लगाएंगे, फिर वही जो मैरिनेटेड चिकन है वो करेंगे, और फिर उसके बाद जो है वो प्याज ऐड करेंगे और फिर हम उसको शैलो फ्राई कर लेंगे। ठीक हो गया, ठीक है। चिकन हाँ बोलने से तो जल्दी बन जाएगा, ठीक है। साथ में इसमें जो है मैं कटिंग स्टार्ट करती हूँ, पहले तो सबसे पहले इसकी, ताकि शेप आप देख लें और मैरिनेशन फिर मैं इसके बाद करती हूँ। तो ये आप खाने के साथ भी खा सकते हैं, एपेटाइजर भी खा सकते हैं, आप चाय के साथ भी इसको खा सकते हैं, चाय के साथ भी खा सकते हैं ये इस तरह से। बाकी ये कि जैसे एग फ्राइड राइस घर में बने हुए होते हैं उसके साथ भी जो है आप इसको खा सकते हैं, वरना ये ड्राई ही ज़्यादातर चलता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो चिकन है उसमें मैंने ये करना है कि मैंने ये जो मसाला है जिसमें चिली पाउडर है, धनिया पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है और गरम मसाला ही, वो ऐड कर देना है। नमक अलहदा रखा हुआ है, वो अपने हिसाब से जो है वो मैं ऐड करूंगी, ठीक है। और चम्मच वगैरह यूज नहीं करती अंदाजे से? हाँ, अंदाजे से 1 टीस्पून के हिसाब से, और साथ में जो है 1 टीस्पून रेड चिली सॉस इसमें ऐड कर दूंगी मैं, ठीक है।
और आपको अगर स्पाइसी बनाना है तो आप ज़्यादा मिर्च ऐड करें। हाँ, तौबा, मेरी बात स्पाइसी से आपके मसाले बिल्कुल ठीक होते हैं। हाँ, 1 टीस्पून जो है सोया सॉस ऐड हो जाएगी। सोया सॉस ऐड होगी तो ऑलमोस्ट जो है इसमें सॉल्ट जो है कम जाएगा, क्योंकि सोया सॉस भी जो है सॉल्टी होता है। और 1 टीस्पून जो है हम इसके अंदर विनेगर ऐड कर देंगे, ठीक है। और साथ में इसमें चला जाएगा चॉप गार्लिक, आप पेस्ट भी डाल सकते हैं है। और आप इसके अंदर चॉप किए उसका खुशबू ज्यादा अच्छी होती है। और इसको सारा जो है हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लें, चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना, हाथ से जो हाथ से करना। हाँ, हाँ, वो मजा है ना, वो जैसे कहते हैं ना कि चॉप चॉपर में चॉप नहीं करना, हाथ से कूटना है हर चीज, तो वो बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, मैं एक हफ्ते बाद ही आ रही हूँ, बहुत दिनों के बाद आ रही हूँ, टाइम की डेफिनेशन बदल जाती है ना। हाँ, बहुत टाइम मुझे लग रहा है, बड़े से बाद मुलाकात, टाइम बीच में मिले। हाँ, मिले हम, हमारी मुलाकात रही है इलेक्शन ट्रांसमिशन में भी आप हमारे साथ रहे इसी तरह। और ये जो है मैं इसकी इसको मैंने यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। आप इसमें यहाँ पे जो है इसको इस तरह से चॉप करके वो कर लें, 1.5-2 घंटा इसको आप मैरिनेशन पे रखें। हाँ, ताकि उसके जितने भी फ्लेवर है, हाँ जितना भी फ्लेवर है वो जो है उसके ओवरनाइट करेंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, वो पूरा टेस्ट जो है इसके अंदर चला जाएगा। बाकी के साथ में आप इसको अरेबिक राइस के साथ भी खा सकते हैं। वो कौन सा होता है? अरेबिक राइस में ये होता है कि जस्ट आपने मसाला ऐड करना होता है ऑयल के अंदर और चावल डाल देने। हाँ, वो सिंपल सा उसका होता है, आप वो उसके साथ भी खा सकते हैं। मैं जो हूँ यहाँ पे अभी लाई हुई हूँ बॉइल्ड राइस, कि हम इसको बॉइल्ड राइस के साथ जो है वो सर्व करेंगे, प्रेजेंटेशन इसकी बनाएंगे। हाँ जी, तो यहाँ पे हमने ये शिमला मिर्च कर ली है, शिमला मिर्च कर सकते हैं, साथ में टमाटर ऐड कर सकते हैं और साथ में प्याज है वो ऐड कर सकते हैं। अगर आपने पोटैटो वेजीज ऐड करनी है तो साथ में आप वो भी साइड्स में दे सकते हैं। हाँ जी, ये जो मैं पिछले एक हफ्ते से पेरी पेरी बाइट्स बनाने की कोशिश कर रही हूँ, सब कुछ बन रहा है लेकिन वो नहीं बन रहा जो बनाना चाहिए। 2-3 नई रेसिपीज तैयार कर ली है मैंने। अच्छा, लेकिन पेरी पेरी की नहीं। आप देखें ये प्याज का ना, इस तरह से मैं इसको ओपन कर लूंगी। हाँ, ये ठीक हो गया, इस तरह से ओपन हो जाएगा। मैं एक बना के दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से होगा। ये देखें, ये जो है सबसे पहले हमने ये कैप्सिकम ली। अच्छा, स्टार्ट हमने वेजिटेबल से करना है, एंड भी वेजिटेबल पे ही करना है, ठीक हो गया। हाँ, बीच में जो है हमने रखना है चिकन को, ठीक है। ये हमारा ये चला गया। और साथ टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, टमाटर भी ऐड कर सकते हैं अगर सस्ते हो तो कर ले, नहीं होना सस्ते तो फिर ना करें। टमाटर का ये होता है कि वो ज्यादा जल्दी गल जाते हैं, तो वो फिर हाँ पानी छोड़ देंगे तो फिर इधर से उतरने का इसका खतरा होता है, जो मतलब जिनको वो प्रो नहीं होते ना, जो वो ये उनसे मिस्टेक हो जाती है। 0514102251 इज आर नंबर, इस पे कॉल करके आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। गारंटी के साथ कह रही हूँ, जिस तरह रेसिपी हमारी बड़ी क्रिस्पी सी है ना, हमारे मेहमान भी बहुत जबरदस्त आ रहे हैं। आप मिलेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा किस तरह से अपने पैशन को उन्होंने दूसरों के लिए फायदा मंद बनाया, एक कॉज के साथ अपने पैशन को लेकर चल रहे हैं। और पैशन ही बड़ा हैवी किस्म का है। हाँ, हल्की बल्कि बहुत यूनिक पैशन है। ये देखें, इस तरह से जो है वो शेप आ जाएगी। और वही मैंने वेजिटेबल से स्टार्ट किया है, वेजिटेबल पे ही ख़त्म किया है। आप इससे बड़ी भी स्टिक्स मिलती हैं, ठीक है। आपने इसमें 4 बोटियाँ डालनी हैं वो ऐड कर दें, पीसेस चिकन के ऐड करने हैं, चाहे आपने 3 करने हैं, चाहे मेहमान ज़्यादा है, बोटियां कम है तो सब्जी ज्यादा कर दें, सिंपल है दैट। और अगर मेहमान कम है और इंपॉर्टेंट है तो गोश्त ज्यादा कर दें, गोश्त ज्यादा कर दें। ये आपके हाथ में है ना, ये क्या ज्यादा करूं। तो ये जो है जिस तरह गर्मियों में किसी के जूस की तरफ मिलने जाएं, रिश्तेदार की तरफ या दोस्त, तो वो छोटी सी छोटा सा ग्लास, थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक और बहुत सारी बर्फ होती है। हाँ, 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 होती है। अचानक जब आ जाते हैं ना मेहमान तब ये होता है, ओहो यार। शुरू शुरू की आवाज ना आए तो हाँ कॉलर कॉलर का प्रोग्राम में शामिल कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू। हाजी साहब कैसे, खैरियत से हैं? ठीक है। मेरी दोनों बेटियों को बहुत ज्यादा सलाम। वालेकुम अस्सलाम, क्लोजअप दीजिए प्लीज। क्या कहेंगे? तमाम कारकुनान को बहुत ज्यादा सलाम, बहुत दुआएं कैमरामैन को, पुलिस स्टाफ को। उनको दुआएं दे दी, हमें नहीं दुआएं दी आपने? आपको दुआएं की बारी भी बारी आ रही है ना अभी ना? अच्छा अच्छा, आ रही है, हम लाइन में खड़े हैं। जी बोलिए जी, कहिएगा। अल्लाह तबारक तआला आपको और आपके अहले यार को और आपके नन्हे नन्हे फूलों को और मेरे जैसे बुजुर्गों को अल्लाह सेहत और जिंदगी अता फरमाए। आमीन जी, आपके सरों पर कायम और दायम रखे। आमीन आमीन आमीन। हाजी साहब खैरियत से हैं? जी बेटा अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े अल्लाह की करम नवाजियां। जबरदस्त जबरदस्त जी, क्या कोई मजेदार सी बात आज आपने कहनी है?
मजेदार सी बात क्या कहूँ आज मैं। कोई गाना सुना दें आज, आज बातें कम करते, आज सुरों में हम बात करेंगे। चले तो कट ही जाएगा सफर टिडंग टिडंग आहिस्ता टिडंग टिडंग, जबरदस्त। आगे भी तो गाए ना, बस इतनी सी बहुत है बस। चले थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का, आपकी कॉल्स का हमें इंतजार रहता है। और बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह सलामती अता फरमाए, अल्लाह जिंदगी अता फरमाए, राजा कामरान साहब को, केवान साहब को, आमीन, तमाम कारकुनान को मेरा बहुत ज्यादा दुआएं और सलाम जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। 0514102251 पे कॉल करके आप अच्छा सा गाना हमें सुना सकते हैं। आज कोई बातचीत नहीं होगी, आज गाने होंगे बस, है ना। हाँ, सुरीली मुर्गी सी बन रही है हमारी सुरीला शाशलिक, ये मैंने बना दी। एक लाइन और सुना दूं? ओ भाई समझिए, आप चले गए, सुनाए सुनाए। हेलो, जो न कह सका वाह, वो ही राज़े दिल कहने की रात आई, दिल जो न कह सका। वाह 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 बेटे, बस दो लाइनों में इत्तेफाक करें, हार्ट पेशेंट से ज्यादा चल नहीं सकता। नहीं नहीं, बस काफी है, काफी है, काफी है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी साहब। गाने तुम्हें आते हैं ना? हाय हाय, नहीं मुझे नहीं आते, आप सुनाए ना, आप सुनाए। मैं जरूर सुनाऊंगी आपको गाने, मैं मेहमानों का वेट कर रही हूँ। हाँ, फिर सुनाएंगे गाने उनको भी तो क्या इंतजार चक्कर लगाए। अच्छा जी, अच्छा इसको ऑयल वगैरह गर्म करना है? हाँ, मैं ऑयल पे भी करके आपको फ्राई करके भी दिखा देती हूँ। एग्जैक्टली, क्योंकि हमें थोड़ा लगेगा टाइम। और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं अगर आपके जहन में कोई रेसिपी है जो आप चाहते हैं, आपकी फेवरेट रेसिपी हो, ज़ैनब आपको जो है वो गाइड भी करेंगी, एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप सर? बिल्कुल ठीक ठाक जी, खैरियत से। कौन बात कर रही है, कहाँ से? वेलकम टू केटू शहर। हुमैरा बात कर रही हूँ, मियाँ वाली से। हुमैरा मियाँ वाली, ये तो मियाँ वाली, मियाँ वाली से, मियाँ वाली से। मियाँ वाली नहीं हो वैसे? नहीं, मैं मियाँ वाली भी हूँ और बच्चों वाली भी हूँ। बच्चों वाली भी है। <So cute. laughs> अच्छा, क्या कह रहे हैं? मेरे दो बच्चे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत रहें जी। क्या कहना चाहेंगी हुमैरा? जबरदस्त माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हैं आप दोनों। और रेसिपी मैंने अभी देखा है तो अच्छा लगा मुझे, लेकिन इसकी रेसिपी का नाम मुझे नहीं मालूम। शाशलिक चिकन, शाशलिक स्टेक। ठीक है, जबरदस्त, इंशाल्लाह जरूर ट्राई करेंगे। जरूर ट्राई करें और बताना है कैसी बनी रेसिपी। अच्छा लग रहा है जी जी, बिल्कुल इंशाल्लाह जरूर बताऊंगी। मैं अक्सर निशी के प्रोग्राम में तो अक्सर कॉल करती हूँ, अब इंशाल्लाह आपके भी प्रोग्राम में जरूर, मुझे इंतजार रहेगा हुमैरा मियाँ वाली का। ठीक है जी, बिल्कुल जबरदस्त माशाल्लाह, अच्छा लग रहा है आपको देख कर। और आप के प्रीवियस कॉलर भी इतना जबरदस्त, हाजी साहब ने सॉन्ग सुना, मैं भी चाहूंगी। जरूर जरूर, आपकी टर्न हुमैरा जी। बिल्कुल, सावन आए सावन जाए, तुझको पुकारे गीत हमारे, ये आप सबके लिए डेडिकेटेड। बहुत शुक्रिया, जबरदस्त भाई, पाकिस्तानी फिल्मी गाने बड़े जबरदस्त हुआ करते थे। और अच्छी बात ये कि हमारे जितने भी कॉलर्स हैं वो पाकिस्तानी गाने गा रहे हैं। कितने मजेदार सॉन्ग्स हैं, इनका रीमिक्स होना चाहिए। अच्छा, अदनान धूल को सुने? नहीं, मैंने नहीं सुना। जबरदस्त गाने गाते हैं जी अदनान धूल, बेसिकली। अच्छा। ताल्लुक उनका जो है वो मुल्तान से है। okay. और उन्होंने स्टार्ट किया था कि एड कैंपेन से। अच्छा अच्छा, सुना तो ना। यार जबरदस्त वो बंदा कंपोजिशन बनाता है। कुछ लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं। हाँ। जैसे आपको कुकिंग का शौक है, वो गॉड गिफ्टेड है। मैं कुछ भी कर लूं, मैं ऐसे काम नहीं कर सकती। मतलब टैलेंट की बात है ना जी। तो आपके हिडन टैलेंट क्या है बताइए हमें, हमारा शाशलिक जो है वो रेडी हो रहा है। ये देख ले, मैंने ऑयल जो है वो बहुत कम ही जो है इसमें डाला है। हो जाएगा चिकन? हाँ, इसमें हो जाएगा, क्योंकि मैंने धीमी आंच पे रखा हुआ है, वो बड़े आराम से जो हो जाएगा। और छोटी जो है ना, वो चिकन के पीसेस जो हैं वो छोटे हैं। सही सही। हाँ, तो वो बड़ी इजीली हो जाएंगे।
तो बस ये इस तरह हम इसको पलटते रहेंगे और साथ में हम ये जो है बनाते रहेंगे बनाते रहेंगे और साथ साथ फिर हम बाद में खाते रहेंगे अच्छा इसको हम फ्रीज नहीं कर सकते ना नहीं फ्रीज नहीं कर सकते वेजिटेबल्स है ना ये है कि मैरिनेशन बस यही है आप एक दिन पहले भी बना के रख सकते हैं बस ये कर सकते हैं अगर टाइम आपने वो करना है और बस घर में किसी भी बच्चे को पकड़ लें उसे कहेंगे परोते रहे और क्या हम काम दूसरा करते हैं वाली जो है वो मियां को कह दें वाली बच्चों को कह दें तो अच्छा उसमें ये कि अभी रमजान जैसे आने वाला है तो ये चीजें अच्छा काम आ जाएंगी हाँ जी रेडी टू ईट कुछ लोग होते हैं मतलब रोजा खोलते ही खाने के साथ है ना मतलब हाँ। कुछ खा लिया कुछ फ्रूट खा लिया आप रोजा इस तरह से खोलते खाने के साथ खोलते हैं या वो लोग तो थोड़ा बहुत फ्रूट खा के ना नमाज के बाद फौरन खाना हाँ कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें जी अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग वालेकुम सलाम जी कौन भाई बात कर रहे हैं कहाँ से हेलो जी आवाज आ रही है जी मैं अहमद नवाज बात कर रहा हूँ कराची से हाँ जी अहमद भाई क्या कहेंगे जी जी आ रही है आवाज भाई हाँ बोले ना मैंने कहा भाजी ये डिश कौन सी बना रहे हो मैं भी कुक हूँ आप कुक हैं ये शाशलिक बना रही हैं शाशलिक हाँ जी हाँ जी अच्छा आप क्या चीज अच्छी बनाते हैं बातों के अलावा अच्छा अच्छा क्या अच्छा बनाते हैं अहमद तो समझिए सवाल कर रहे हैं बात कर रहे हैं okay, वो जज कर रहे थे हाँ, क्या क्या बन रहे है? कैसी चीज बन रही है अच्छा 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 जी ले जी अब ब्रेक है अभी के नहीं कि हम गेस्ट को रिसीव कर लें कि भी थोड़ा टाइम है नहीं भाई ब्रेक है अभी ब्रेक नहीं है वो कह रहे थोड़ा सा चिकन को इस हाँ काबिल होने दें कि हम उसके खाने उसका कलर जो है ना वो आज आधा किलो चिकन लिया है जैनब ने और प्याज एक प्याज मैंने एक लिया है और शिमला मिर्च मैंने एक ली है लेकिन अभी दूसरे भी जो है वो यूज हो जाएगी और साथ में यही है कि मैंने जो मसाले ऐड किए हैं वो ये किया है कि रेड चिली पाउडर ऐड किया 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून यूज किया है जीरा पाउडर 1 टीस्पून और साथ में जो है मैंने नमक इसमें ऐड किया 1 टीस्पून और गार्लिक जो है वो ऐड की है ठीक है जी कॉलर रिकॉर्ड अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग वालेकुम अस्सलाम कैसी हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक जी आपका नाम मेरा नाम शाहजान माते शाहिदा कहाँ से कॉल कर रही हैं वेलकम टू केटू शहर मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ अच्छा 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 इतनी दूर से कॉल किया आपने बहुत शुक्रिया हाँ जी नहीं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा जो आपकी गेस्ट हैं वो जो कुकिंग कर रही हैं वो भी बहुत अच्छी है ये हमारी अपनी हो चुकी है आप गेस्ट से इनको हमने निकाल के अपनी टीम में शामिल कर ली मैं उनका प्रोग्राम देखती हूँ माशाल्लाह आपका भी देखती हूँ थैंक यू सो मच मुझे बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह तो ये के बस अल्लाह मियां इसमें ही आप लोगों को खुश रखे और आमीन आमीन अच्छा शायद क्या करती हैं आप जी मैं हाउसवाइफ हूँ हाउसवाइफ एक तो रेसिपी कौन सी अच्छी डिश बना लेती हैं आप मैं हर तरह की बना लेती हूँ माशाल्लाह कैसे पता चलेगा यहाँ पे आके सिखाएं हमें अच्छा ठीक है इंशाल्लाह जरूर तो मैं हर तरह की कुकिंग कर लेती हूँ माशाल्लाह वेरी नाइस आज का छोटा सा चैलेंज चल रहा है जो कॉल कर रहे हैं वो एक गाना सुना रहे हैं एक दो लाइनें सुना रहे हैं अच्छा अच्छा सही तो सुनाए ना सुना देती अभी से माइंड में तो कोई नहीं है लेकिन फिर भी चलो कोशिश करती हूँ जो भी है जहन में हो जाए ठीक है जाने जा माइंड में नहीं है मंदिर बनो नदी हम भी नजर चुराए ओ जाने जा लाखों से सितम उठाएंगे क्या बात है यू छुपी रुस्तम शायद इतना अच्छा गाया आपने मैं नाती बहुत अच्छी पढ़ लेती हूँ माशाल्लाह क्या कह रही नाते बहुत अच्छी पढ़ लेती जबरदस्त जबरदस्त वेरी नाइस वेरी नाइस तो खाना बनाते वक्त ही गाने शाने गा रही होती हैं अरे बुढ़ापा हमारे पास नहीं आएगा बेफिक्र गाने गाती हो जवान रहोगी सारी उम्र आवाज आपकी टूटी लेकिन हंसने वाली बात कही जरूर समझ आ गया मतलब चली गई
हाँ जी, तो अच्छा सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं तैयार बैठे हैं। अच्छा मुझे कोई कहना कि गाना गा, हाँ। तो मुझसे तो गाया ही नहीं जाता, उसी वक्त भूल जाता है वो गाना, याद भी आ रहा है भूल जाता है। मेरा स्टैंड बाय गाना है दिल दिल पाकिस्तान। हाँ यही बात होता है, सबसे पहले यही चीज आती है और कुछ आता है नहीं। कुछ ना आए ये गाना लाजमी आता है। और अच्छी बात है कोई नखरा नहीं कर रहा भाई, आपका अपना शो है, जस्ट लाइक अ फैमिली। और आप लोग कॉल करके गाना सुना रहे, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मान रख लिया मेरा भाई, छोटी सी रिक्वेस्ट की थी मैंने। एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैंने कॉल किया टीवी की आवाज बंद, टीवी की आवाज आहिस्ता। हाँ जी जी, वेलकम टू के2 से, टीवी आहिस्ता कर दीजिएगा। हेलो सलामकुम बेटा, टीवी आहिस्ता करते हैं पहले आप। टीवी आहिस्ता ही है, मुझे मेरी आवाज आ रही है यहाँ तक। आपका नाम? हाँ जी। आपका नाम हाँ जी है, बड़ा प्यारा नाम है। डिस्कनेक्ट होगी है इसलिए कि अगर आप टीवी के पे अपनी आवाज़ सुनेंगे ना तो तस्वीर तो वैसे भी नहीं आनी, आप देखना तो मुझको ही आपने, तो बेहतर है कि आप पहले मेरी आवाज़ सुन लें, जब रिपीट हो गया प्रोग्राम उसमें आप देख भी लीजिएगा कि आपकी आवाज़ कैसी लग रही है। आवाज़ को लोग देखते भी हैं, होता है समटाइम्स ऐसे ना। तो 0514103351 हमारा नंबर है, इस पर कॉल करके आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। गाना आज लाजमी सुनाना है, जो गाना सुनाएगा वो प्रोग्राम में शामिल होगा, बस हाँ उसी को हम काउंट करेंगे। यस उसको हम काउंट करेंगे, बाकी हम जो है हम गुजारी करेंगे। जी शाशलिक हमारा रेडी हो रहा है, जो आपके लिए बना रही है जैनब, अच्छी खासी इस पे स्टिक्स बन गई है, हाँ है ना। हाँ जी, अंदर तक ये सॉफ्ट हो जाएगा। हाँ जी हो जाएगा। ओके क्योंकि वही बात है ना, साइज जो है वो चिकन का बहुत छोटा है, अगर बड़ी बोटी होगी तो वो ज्यादा जो है वो टाइम लेगा, तो हमारे पास टाइम कम था तो मैं वैसे ही छोटा। कॉलर कॉलर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रिजा, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से? अफशीन बिहारी से। कौन? अफशीन नौशीन। नौशीन बिहारी से, क्या हाल चाल है बिहारी का नौशीन? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह क्या बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू सो मच, इस खुशी में गाना होना चाहिए, कोई गाना सुनाओ। हाँ हाँ ठीक है चले, ये मेरे शहर के नाम है गाना। ओहो सुनाए सुनाए। आप मजाक ना करिएगा बाद में, ठीक मेरी ठीक है ना? क्या कह रही? मैं क्यों मजाक उड़ाऊंगी, मैं खुद इतना बुरा गाना गाना हम गाते हैं। हाँ चलो फिर सुनाती हूँ, सुनाए। मैं भी तुझे बुला दूँ सारे दिल से, ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी। वाह वाह वाह, क्या बात है, छा गई लड़की। कभी हस्बैंड ने गाना सुनाया? नहीं मैं हस्बैंड का अक्सर सुनाती हूँ, लेकिन वो नहीं सुनाती। चलो बेचारे वो मजा ले, सुना सके वो कुछ फिर इसके बाद। सो स्वीट, और क्या कहना चाहोगी? बस ये कहना चाहूंगी, ये चिकन शास्त्रिक बन रहा है, इंशाल्लाह ताला मैं कल कोशिश करूंगी, लाजमन बनाऊंगी। कोशिश करनी है और बताना है फिर कैसा बना है, ठीक है? इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया यार। ये हम बीवियां ही होती है जैसे पागल के सभी गाने गा रही हैं, इमोशनल सेलिब्रेशन, और मेरी तो ठंड प्रोग्राम चल रहा होता है। अच्छा एनिवर्सरी थी आज, अच्छा ये भी मुझे लगता है सिर्फ औरतों को याद रहता है, अच्छा एनिवर्सरी है, बर्थडे है, मतलब हस्बैंड को हम जबरदस्ती जो है वो तैयार करते हैं कि यार अब तैयार हो जाओ ये आने वाला है इवेंट। मैं तो हस्बैंड को बोलूं तस्वीर खिंचवा लें, मुसीबत पड़ जाती है, यकीन करो। तौबा, मतलब कि ऐसे कि जैसे कैमरे को तो कभी देखा ही ना, ऐसे ऐसी शक्ल और शक्ल ऐसी होती है, मैं ना ही खिंचवाएं आप बैठ चिकन शाशली की। गेस्ट हमारे पहुंच चुके हैं, हम आपको मिलाएंगे मेहमानों से, बहुत इंटरेस्टिंग मेहमान है, बड़ा जबरदस्त वो काम करे, द रेबल्स के नाम से उनका ग्रुप है, एंड दे ऑल आर हैवी बाइकर्स, हैवी बाइक चलाते हैं, लेकिन एक कॉज के साथ। तीन मेंबर्स आ चुके हैं जिनसे हम आपको मिलाएंगे, वेट करें कि वो करीब पहुंचे तो हम बकायदा उनको वेलकम करें, और किस कॉज के तहत वो काम कर रहे हैं, क्यों उन्होंने हैवी बाइकिंग शुरू की, और क्या पैशन है उनका नाम। बड़े अच्छे लकी लगते हैं मुझे वो लोग जो जैसे कि इनका पैशन है कुकिंग करने का, उसको वो फॉलो कर रहे हैं। और एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहा है? जी मैं शबनम बात कर रही हूँ। शबनम ऊंचा बोलो, कहाँ से कॉल कर रही हो? इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से क्या कहना चाहेंगी शबनम? मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत अच्छा आप खाना बनाती हैं। जैनब
हाँ जी, और आप क्या बनाती हैं? अच्छा, मैं चिकन अच्छा बना लेती हूँ. आपको प्रोग्राम देख रही हूँ, बहुत अच्छा है. थैंक यू सो मच. अब नाम क्या करती हो आप? पढ़ती हो? घर पे होती हो? बस मैं घर पे होती हूँ. क्या करती है? घर पे होती हूँ. घर पे होती हो तो कौन सा गाना शौक से गा रही हो आजकल? क्या हो गया? कौन आ गया पीछे? कौन बोल रहा है पीछे? ये चले जी, जा चुकी हैं शबनम. नेक्स्ट टाइम शबनम गाना सोच के आपने कॉल करनी है ताकि आप प्रोग्राम में शामिल हो जाएं. थोड़ा सा हम लोग मोटिवेट करें, थोड़ा सा एनर्जी लेवल बढ़ा रहे हैं. अब ऐसे ही मंडे को जो है ना एनर्जी लेवल लो होता है. हाँ, क्योंकि आप वीकेंड गुजार के आते हैं ना, तो मंडे का वैसे ही अच्छा है. और हमारे जो कॉलेज आ रहे हैं इतना अच्छा गा रहे हैं. एग्जैक्टली, थोड़ा हमें हमें शर्म आ रही है कि हमें गाने नहीं आता, तो हमें मजबूर ना करना गाने के लिए. बस हम आपसे सुन लेंगे और क्या. और मेरा तो वीकेंड गुजरा जी पैकिंग करने में, बिकॉज हम लोग घर शिफ्ट कर रहे हैं. अच्छा, तो मेरा ये टाइम वक्त गुजरा है कि सामान शामान पैक करने के लिए काम है. और स्टोर से इतना गंद निकल रहा है, पता नहीं कितनी कितनी चीजें जमा की हैं और कितनी चीजें आप देख रही होंगी. ये कब आया था? ये कब आया था? और ये तो मेहंदी के थाल इकट्ठे हुए थे सारे, मगर मेहंदी के थाल का पकड़ लिए थे मैंने, चढ़ा दिए अभी. अच्छा, वो आप मेहंदी की थाल दे देंगी या कोई टोकरिया जिस तरह की डेकोरेट, फिर उसके बाद लाजमी उसके थोड़ी देर बाद आपको जरूरत पड़ेगी. ऐसा होता है, लेकिन जितनी स्पेस हो रहा आपके पास, आप उतना ही गंद जमा करते रहते करते रहते करते रहते. जैसे मेरी शादी के बर्तन मैंने निकाले कि चलो यार अब तो खत्म कर दूं उनको मैं, ना वो टूट रहे हैं ना मैं किसी को दे सकती. इमोशनल अटैचमेंट. वो आपने वो रखे होंगे ना, मेहमान आएंगे तो यूज होंगे. मेहमान आए ना हमने वो यूज किए. ये देखिए इसका कलर चेंज. शास्त्रिक हमारा रेडी हो चुका है. 0514102251 हमारा नंबर है. आप ब्रंच पे अगर प्लान हो तो शास्त्रिक खा सकते हैं. हाई टीज के ऊपर ये सर्व हो सकता है, खाने के साथ खा सकते हैं. दिल चाह रहे तो खाएं, कोई भी बहाना बना के. अच्छा, मेरा अभी जो गोल चल रहा है ना, वो ईद से पहले पहले का, वो स्किन हेयर और वेट के हिसाब से जो पिछले 10,000 साल से चल रहा है मेरा गोल. वो हर औरत का चल रहा है. ये इनके साथ मैं भी शामिल हूँ, मेरा भी गोल है वही. हम गोल बहुत अच्छे हो जाए, स्किन अच्छी हो जाए और हम थोड़े से ऐसे हो जाए. अच्छा, आप तो माशाल्लाह है, लेकिन नेवर हैप्पी. हम लोग कभी सेटिस्फाई नहीं होते अपनी स्किन से, अपने बालों से. कोई ना कोई नई नई चीज़ ब्यूटी इंडस्ट्री को चलाने वाले हम हैं. मतलब वो तो काम कर रहे हैं, वो तो मनी मिंटिंग हो रही है जो भी कर रहे हैं, लेकिन इसको मुझे लगता है वो कुछ फूंकते हैं इनकी स्किन को कुछ हो जाए ताकि हमारी प्रोडक्ट्स ले सके. स्टैटिक डॉक्टर्स हैं, टिकटॉक पर भी हैं, वो जो स्लोमो में वीडियो बनाते हैं ऐसे करते, ट्रांसफॉर्मेशन होती है और जहाँ स्किन के ग्लो करी होती है ऐसी जगह कुछ भी नहीं होता. कुछ ऐसा लगता है बहुत सेशंस लगते हैं, एग्जाम में होता भी नहीं है. आपके कुछ 7-8 सेशन होते हैं फिर कहीं नजर आता है अच्छा अब कुछ ग्लो जो है वो आ रहा है. जी हमारा, मैं इसको डिश आउट करती हूँ यहाँ पे. ठीक हो गया, जबरदस्त जबरदस्त. ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे. अच्छा, इस साथ में मैं ना राइस लाई हुई हूँ, उसको बीच में हम ऐड करेंगे और थोड़ा सा देखते हैं कि हम इसको किस तरह कैसे रखते हैं. चौकी बजनी तो चौकी कैसे कर देती है ना यहाँ से. अच्छा, अगर फटाफट कुछ बनाना पड़े, मेहमान आ जाए तो क्या जल्दी बना लेती हो? अगर तो मेहमान आ जाए तो आप सैंडविचेस जल्दी से बना लें. आपकी डबल रोटी तो होती होती है डेली, आपके आते हैं अंडे भी पड़े होते हैं. बस मायोनीज अगर है तो आप वो कर लें, वरना नहीं है मायोनीज तो आप टोस्ट को काटें, बेसन पड़ा हुआ तो पकौड़े बना लें. हाँ, वेरी राइट, जबरदस्त. रमजान में भी अगर बेसन के पकौड़े वैसे हैवी लगते तो ब्रेड की बना सकते हैं. ब्रेड के सलाम अलैकुम जी, गुड मॉर्निंग. वेलकम, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग जी, कौन भाई बात कर रहे हैं, कहाँ से? वेलकम टू के2 शहर. थैंक यू. दूसरी दफा बात हो रही है आपसे. पहली दफा कब हुई थी? 2-3 वीक हुए हैं गालबन मरकल. 3 वीक हो गए. अच्छा, आप नाम बताइएगा अपना. एक 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 चीज मैं आपको बताऊंगा तो फिर आपको याद आ जाएगा कि वाकई क्या हुई. बताए बताए. राजोकत जिला पिंडर से बात कर रहा हूँ. क्या 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 आवाज आपकी समझ नहीं आ रही मुझे. जी जी, राज्य शोकत जिला पिंपर से आजाद कश्मीर से. जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, याद आ गया, याद आ गया. 3 हफ्ते के बाद आपको कॉल मिली है. याद आने के लिए फिर यहाँ बताऊंगा. मौसम से बात नहीं थी तो फिर आपने पूछा था सर्दी कैसी है वहाँ कश्मीर में, तो मैंने कहा था कड़ाके की सर्दी है. कड़ाके की सर्दी, याद आ गया होगा. बिल्कुल आ गया. आइंदा आपने बोलना है नाम के साथ कड़ाका लगा देना आपने ताकि मुझे याद रहे. कड़ाके के साथ कैका भी लगाना पड़ता है ना. अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जबरदस्ती प्रोग्राम, अमेजिंग. ये जो आप प्यार कर रही हैं माशाल्लाह, बड़ा जबरदस्त. जी जी, आंखें बड़ी तर हो रही हैं देख के.
आंखें तर हो रही है क्यों? प्याज तो मैंने काटा है, चिकन से नहीं तर हो रही है। चिकन से कोई जज्बाती ताल्लुक है आपका? आंखें तर हो रही है देख के, पानी भी आ रहा है मुंह में, क्या करूँ अब, पानी मुंह में आ रहा है लेकिन आंखें तर हो रही है। ये यार ये जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया, हमने नई चीज देखी है, नई चीज देखी है। अच्छा अच्छा, और आपके टीम जितनी है सबको मेरा सलाम जी। वालेकुम सलाम। पाकिस्तान में इलेक्शन हुए हैं अल्लाह अल्लाह करके, तो अभी उस खुशी में गाना सुना देगा आप? वो पहले वाली हिस्ट्री जो है तारीख है हमारी वही शुरू हो गई है अभी। अच्छा गाना सुनाए ना, ये गैर सियासी प्रोग्राम है। जी जी जी। गाना गाना नहीं आता मुझे, नहीं आता, कोशिश करें थोड़ा सा शायद आ जाए इतना सा, फिर आएंगे लोग मजाक करेंगे फिर, इसलिए मैंने अभी तो आपने मेरी आवाज में गाना नहीं सुना फिर आप हंसेंगे। आप बताओ कहते हैं ना पंजाबी की कहावत है ना कि पैड़े रोने से चुप चंगी, नहीं समझ आई यहाँ से एक्सप्लेन करें इसको, वो उधर चली गई है कुछ समझ नहीं। पंजाबी का मुहावरा है ना कि पैड़े रोने से चुप चंगी, तो मतलब भी तो बताएं ना, मतलब बताएं हमें, पंजाबी नहीं आती यानी ऐसी मजाक बन गए तो बेहतर है वो काम करें ही ना। हाँ तो चले बात ही खत्म कर दिया आपने, ठीक है। अब आपने मेरा गाना सुनना होगा, फिर एंड में सुनाऊंगी आपको गाना। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल मैं बिल्कुल रेडी हूँ जी, बिल्कुल रेडी हूँ गाना सुनने के लिए। मैं हमला थोड़ी करना है आपके ऊपर। रेडी हूँ मैं। क्या बात है जी, क्या बात। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का आपका, थैंक यू। लीजिए कॉल कीजिए, दिल की बात कीजिए, मजेदार सी के बाद के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए 0514102251। और इंतजार है मुझे बड़ी शिद्दत से अपने मेहमानों का कि वो आए तो आपसे आपको मिलाएं। मैं जाके देख के आती हूँ गेस्ट कहाँ तक पहुंचे। लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक, शास्त्रिक रेडी हो चुका है, वापस आते हैं और बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी वेलकम बैक टू के टू शहर, हमारे मेहमान जो है वो पहुंच चुके हैं, आपको मिलाएंगे आमिर से, जुल्फिकार से और हलीम से, जो के हैं द रेबल ग्रुप के मेंबर्स एंड दे आर हैवी बाइकर्स। आवाज इस बाइक की जब दिल पे जाके लगती है भाई। Can I have some noise? Can I have some noise? Awesome! Welcome जी, आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। ये जी द रेबल ग्रुप, और इनको मैंने ढूंढा पहले, एक्चुअली हलीम से मेरी बातचीत हुई ऑन टिकटॉक। मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता कि टैलेंट हो और मेरे शो में ना आए, तो वेलकम करते हैं इस रेबल ग्रुप को जो अपनी हैवी बाइक्स के साथ यहाँ मौजूद है। सैर नहीं किसी ने कराई, कोई बात नहीं, वापसी भी इनसे कहूँगी कि हमें ज़रा छोड़ दें PWD तक। अजय 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 अजय, माई गुडनेस, माइक किसके पास है जी? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, यू हैव द माइक? या आई एम गुड। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, वेलकम टू के2 सर। थैंक यू वेरी मच। गॉट यू लुक सो हैंडसम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग विद द बाइक। आइए जी आ जाइए। आप हैं जी? माय नेम इज कर्नल आमिर। कर्नल आमिर, दिस इज जुल्फी शाहिद। जबरदस्त। एंड दिस इज मेजर अब्दुल हलीम। आई हैव बीन फॉलोइंग हिम ऑन टिकटॉक। ओह ग्रेट, एंड सो गुड टू सी यू ऑन माय शो। थैंक यू। मतलब अगर आपको शौक है, पैशन है, तो फिर इंतजार किस बात का, ये बताएंगे द रेबल टीम। Am I right? Yeah, that's correct. And you are working with a cause, like ये सब कुछ एक cause के साथ है। Always, everything has to be with a cause. और क्या क्या cause है आपका? Well, our cause is to promote the riding in the right way. ठीक। To tell people how to give back to society. ठीक ठीक। We have to tell them that there's so much more than just riding. We, for example, we can donate blood, we can provide for orphanages, अच्छा, we can arrange अच्छा. for marriages सही, of सही. Widowed children. We can clean graveyards. मतलब open forum है, open forum. You can clean graveyard, कब्रिस्तान की सफाई वगैरह ये सब कुछ करनी चाहिए, करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा कौन कौन सी बाइक्स हैं आपके पास? अगर हम इधर हम आगे जा सकते हैं वहाँ तक, बाइक तक जा सकते हैं? कल साहब अगर आप मेरे साथ आ जाएं तो इधर से चलते हैं, हमें बाइक के बारे में पता चले ना कि क्या कुछ है इसमें, और सेफ्टी का पूरा इंतजाम किया गया है, हेलमेट वगैरह पहनते हैं। अच्छा जी, शुड वी स्टार्ट फ्रॉम योर बाइक आमिर साहब? जी प्लीज। ये जो बाइक है ये कौन सी है? सो दिस इज अ हार्ले डेविडसन वी रॉड मसल। ओके, वी शुड कम हियर। ये श्योर, इधर आ जाते हैं।
ठीक है अच्छा इज इट गोना बी विजिबल फ्रॉम देयर यस 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 ओके सो दिस इज अ हार्ली डेविडसन वी रॉड मसल ठीक है इट्स अ 1250 सीसी सही अमेरिकन मेड बाइक ठीक है प्रीडोमिनेंटली दे आर क्लासिफाइड इन द क्रूजर कैटेगरी अच्छा सो दे आर बिल्ट फॉर रोबस्टनेस एंड दे आर बिल्ट फॉर अ कंफर्टेबल राइड द ओनली रीजन दैट आई हैव अ बैक सीट ओवर हियर इज बिकॉज़ माय वाइफ लव्स सिटिंग ऑन इट विद मी एंड गोइंग फॉर अ शॉर्ट राइड ऑसम दीस आर गुड फॉर शॉर्ट राइड्स और आगे जो है ये दिस इज द किंग ऑफ हार्ली डेविडसन आई कैन सी दैट इट लुक्स लाइक अ किंग एक्सोटिक बाइक दैट दे हैव इट्स कॉल्ड अ स्ट्रीट राइड वाओ 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 एंड सो दिस इज अ स्ट्रीट राइड क्लासिक और अ स्ट्रीट राइड इसकी जो कैटेगरी है विद इन स्ट्रीट राइड्स और ये इसके अंदर ये इफेक्टिव फिटेड मल्टीमीडिया सिस्टम वगैरह आता है क्योंकि ये टूरिंग कैटेगरी के अंदर आता है वो वाला क्रूजर था दिस इज अ टूरिंग कैटेगरी दिस इज व्हेन जब आप देखते हैं कि लंबे सफर पे इंटरनेशनली आप जा रहे हैं खुंजराब तक जा रहे हैं मतलब दीज आर मेंट फॉर लॉन्ग राइड्स सफर इतने लंबे लंबे किए हुए हैं बिल्कुल किए हुए हैं जुल्फी भाई हैज बीन राइडिंग फॉर द लास्ट 30 इयर्स ही हैज बीन राइडिंग इन स्कॉटलैंड यूके वाओ जुल्फी भाई छा गए आप तो ही इज बेसिकली यू नो आवर जो मोटिवेशन थी हमारी भी बाइकिंग की तरफ आने के लिए दिस वाज जबरदस्त 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 नीचे इसके अंदर ही जो बॉक्सेस साइड बॉक्सेस लगे होते हैं दीज आर कॉल्ड पेनियर्स दिस इज एन 1800 सीसी बाइक 1800 सीसी समझने की ये पूरी कोरोला ऑल्टिस खड़ी है आपके सामने एग्जैक्टली सो दिस इज अ वेरी पावरफुल बाइक और इसके साथ है जी इसके साथ जो है वो बेनेली मेक है और उसका जो आगे मॉडल है दैट इज TRK 502X आपको लिखा नजर आ रहा होगा हां जी हां जी हां जी इट्स अ 502 सीसी दिस कैटेगरी ऑफ बाइक इज कॉल्ड एन एडवेंचर बाइक ओके सो वेयर हलीम आपकी है ये जी ओके सही सही अब्दुल हलीम साहब की है ठीक है वेयर अ टूरिंग एंड अ क्रूजिंग डजंट गो दैट्स वेयर an adventure bike goes so wow. adventure bike ke liye there are no limits acha meri fascination hai sirf helmet pehnne ki bas that's it yes uske baad mujhe main dar jati hu hey banayenge itne chote ka de ji kaise to aapke baal kharab ho jayenge koi masla nahi aise ji exactly that's all okay I'm ready for the show and that's all you need clip on okay that's all you need when you want to go for a ride but never go without the proper safety gear exactly riding has to be enjoyable but it's enjoyable only if you are properly prepared for it bilkul sahi aur uske liye hame apna proper taiyar hona chale maine koi ride karni hai aapko safe karna zaruri hai nahi kar making sure ki main helmet jo hai wo pehen ke jaau baithu iske upar nahi nahi gulzar bhai nahi main nahi baith sakti ha ye bahut wo hai these are very stable bikes nahi but ye bahut stable bikes nahi kuch nahi hota I should have sit on it if you want बैठो हाँ अल्लाह जी वही बैठो कैसे 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 बस यहीं खड़े होना है आपने ठीक है और राइट लेग को आपने ऊपर करके ठीक है चलेगी तो नहीं नहीं है गिरेगा नहीं नहीं चलेगी अच्छा ओके एंड दैट्स ऑल देयर इज टू इट ओह माय गुडनेस मैं आप लोगों को नहीं जानती चली जाएगी डीए चेतक ये जब तक आप रेव नहीं करेंगे उस वक्त तक आपको बाइक की फील नहीं आएगी पहले कुछ ब्रेक ले ले ब्रेक ले ले ब्रेक ले आई थिंक वी शुड गो इनसाइड और बाकी बातें वहां पे करते हैं क्या बताऊं यहीं से आगे निकल जाऊं मैं लेट्स गो इनसाइड इसको पकड़ तो लेना गॉड मैं आपके वेट से कहीं नहीं जाएगी हमारे वेट से नहीं जाती आई जी अब इसको मुझे खोल के भी आप ही देंगे वेरी नाइस अच्छी बात तो यह है कि आपके पास कोई ऐसा पैशन है जिसको लेके आप चल सकते हैं तो क्यों नहीं आइए जी लेट्स गो इनसाइड और बहुत जबरदस्त लग रही थी सही कूल कूल वुमन और यहाँ पे जो है ना आपने जो बाइक की आवाज अपनी जो है ना वो जब स्टार्ट उसकी की तो मैं दिल ना मैंने कहा मैं जिबे भी जाके बैठू मेरा खुद का दिल की कर रहा था जरा एक राइड हो जाए अच्छे जी हाँ हमारी शासिक स्टिक्स जो है ऑलमोस्ट डन है ठीक है और कलर देखिए कितना जबरदस्त किस्म का आ गया है ठीक है जी तो जैसे मैं रेसिपी जो है वो रिपीट कर देती हूँ ठीक और रेसिपी ये थी कि मैंने जो है 500 ग्राम जो है वो चिकन लिया था और उसमें 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाला था 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर
जो धनिया पाउडर होता है, जीरा पाउडर जो है वो ऐड किया था 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ही सॉल्ट ऐड किया था। सॉल्ट मैंने कम रखा था इसलिए क्योंकि सोया सॉस मैंने 1 टीस्पून ऐड किया इसमें, और 1 टीस्पून ही चिली जो सॉस है वो ऐड किया, और 1 टीस्पून जो है साथ में विनेगर ऐड किया। अच्छा, इनको हमने जो है वो सारे को, और साथ में अदरक लहसुन भी लिया, सॉरी वो भी 1 टीस्पून। आप उसका पाउडर भी ले सकते हैं, लहसुन का पेस्ट भी ले सकते हैं। मैंने जो है लहसुन जो है चॉप लिया था, और उसमें ये चीज़ हो सकती है कि आप इसको एक दिन पहले मैरिनेट करके बड़े अच्छे तरीके से जो है रख सकते हैं, और इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा जो है इन्हेंस हो जाएगा। अभी हमारे पास टाइम नहीं था तो इसलिए हमने ये किया कि हमने जो है इसको लेकिन इनकी एंट्री की एक बाइक जो है मैंने एंट्री की पूरी वीडियो बनाई थी स्टार्ट, तो अच्छा इसका काम उसी को साथ है। हाँ, और क्या, शाश्विक हमारे रेडी हो रहा है और कुछ गपशप हो जाए मेहमानों से। जी सर। अच्छा, रेबल ग्रुप का आगाज कैसे हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग अस ओवर हियर, इट्स लवली टू बी पार्ट ऑफ दिस वेरी वंडरफुल शो। हम लोग वैसे तो इंडिविजुअल बाइकर्स थे ही थे, लेकिन जैसे आपने सवाल बाहर किया था कि कोई भी चीज़ किसी कॉज के साथ की जाए या ना की जाए, असल में किसी भी काम को करने का जो एसेंस है वो तभी आता है जब उसके पीछे कोई मकसद हो, जब उसके पीछे कोई कॉज हो। तो हम चंद लाइक माइंडेड दोस्त थे और हम बस बैठ गए साथ एक दिन, और दो तीन चीज़ें हमारे जहन में आई पीछे। दो दोस्त हमारे ऐसे हैं जो आज हमारे साथ नहीं आ सके, देवर कमिटेड, तो देवर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। मैं नाम लेना चाहूँगा, एक जवाद खान साहब हैं और एक कासिम रिंद हैं, हम प्यार से उनको कासिम दादा कहते हैं। तो द रीज़न वी मेड दिस ग्रुप वॉज कि हम सोसाइटी को कुछ वापस दें, क्योंकि सोसाइटी ने हमें बहुत कुछ दिया है। और हम कम लोग ऐसा सोचते हैं, नॉर्मली हम गिले शिकवे कर रहे होते हैं कि हमने क्या, सोसाइटी ने क्या दिया, मुल्क ने क्या दिया। जी, असल में जी ये बहुत आसान है गिले शिकवे करना, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि अगर आप बजाय गिले शिकवों की तरफ जाने की आप ये सोचें कि मैं बहैसियत एक फ़र्द के, एक इंडिविजुअल के क्या दे रहा हूँ सोसाइटी को, तो जब आपको ये पता चलता है तो दैट कीप्स यू सो कमिटेड कि आपको वक्त ही नहीं मिलता कि हम किसी की तरफ देखें और कोई करें। तो अब जुल्फी भाई ने बड़ा अच्छा आइडिया दिया कि हमें जब इस किस्म की हम सपोर्ट करेंगे, पैशन करेंगे, तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ बॉयज़ हु लुक टुवर्ड्स अस। और अनफॉर्चुनेटली जवान बच्चे होते हैं ना, उनकी सोच इतनी मेच्योर नहीं होती, तो वो समझते हैं कि बाइकिंग इज़ ऑल अबाउट भगाएं, ट्रैफिक में कट करें। वेयर एज यू विल बी सरप्राइज्ड, बाइकिंग का इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। बाइकिंग इज़ ओनली टू यू नो डू योर ओन कैथारसिस, आप सिर्फ अपनी खुशी के लिए राइड करते हैं। सही, सही। तो हम ये चाहते हैं कि हमें देख के जो नई जनरेशन है वो ये सीखे कि हम सेफ राइड कर सकते हैं, हम सेफ्टी को प्रमोट कर सकते हैं, और राइड करके हम क्या करेंगे, कैंसर के पेशेंट्स के पास जाके दिन गुजार सकते हैं, उनका दिन अच्छा करने के लिए। ओल्ड होम्स में लोग अपने पेरेंट्स को भेज के भूल जाते हैं, उनके साथ जाके खुशियां बांट सकते हैं। कब्रिस्तान की जाके हम सफाई कर सकते हैं, सिर्फ गोरखन का काम तो नहीं है। इसी तरीके से किसी बेवा के पास जराए नहीं है, उसकी बच्चियों की शादी करा दी, उसकी फंड रेजिंग भी कर लेते हैं, फंड रेजिंग कर ली। पिछले दिनों उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त फलस्तीन की सपोर्ट में राइड की थी, एंड दे रेज्ड, बताना नहीं चाहिए, लेकिन ये कि वी रेज्ड, एनकरेज करने के लिए जरूर बताएं, जरूर बताएं। बहुत अच्छी एक अमाउंट ऑफ मनी जो है वो अरेंज की उनको भिजवाने के लिए जब वर्ल्ड एड रोक दी गई थी। जी जी। इसी तरीके से जुल्फी भाई के तवस्सुत से इनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, आप लोग सब जानते हैं, राजा जियाउल हक, ही इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ द यूथ क्लब, तो वो भी हमारे क्लब में शामिल हुए। और उनके आने के बाद से हम ये भी प्रमोट कर रहे हैं कि हम जहाँ कहीं भी जाते हैं एज अ ग्रुप, चाहे हम लोग 50 राइडर्स हैं या सिर्फ 15 हैं। और कितने भी मेंबर्स हैं, सॉरी बात काट रही हूँ आपकी, अभी वी हैव 85 आई थिंक, 85 वी ओनली स्टार्टेड दिस ग्रुप विद नो वुमेन, वुमेन भी हैं, एक दो वुमेन भी हैं, 3 महीने हुए अभी हमें ग्रुप शुरू किया, ठीक है तो इट्स लॉन्ग वे टू गो।
जबरदस्त जबरदस्त। आप क्यों नहीं कुछ बोले, वीडियोस इतनी जबरदस्त बनाते हैं आप टिकटॉक के ऊपर, स्लो मो और गाने वाने। बस ट्रैवलिंग का शौक है और ज्यादा मैं कश्मीर साइड पे जाता हूँ क्योंकि एक तो इजी एक्सेस, जल्दी आप ट्रिप को वाइंड अप करके आ जाते हैं। सही, सही, तो सही। इनके साथ भी इसी तवसर से इनके साथ मैं हूँ रेबल्स में, तो साथ भी राइड करते हैं और सोलो राइड्स भी करते हैं, तो जिस तरह मूड बन जाते हैं साथ से निकल जाते हैं। तो क्या आपको स्केड्यूल बना होता है कि महीने में एक दफा ग्रुप होना चाहिए कि नहीं? वी लाइक टू कीप इट वेरी रैंडम। ठीक है। हम में से कोई भी प्रोफेशनल राइडर तो है नहीं, सबके अपने बिजनेस हैं, कंसर्न्स हैं, काम है, नौकरी है, घर भी हैं, तो हम इतना राइड नहीं करना चाहते कि हमारे घर वाले बेगम बच्चे जो है ना वो तंग आके कि वो आप हमें टाइम नहीं दे रहे, और उनका टाइम बनता है, उनका हक है हमारे ऊपर, तो बच्चों का भी है, वालदैन का भी है, तो हम यस वी डू फाइंड टाइम टू गेट टुगेदर। कभी हर हफ्ते निकल जाते हैं वीकेंड्स पे, कभी महीने में एक ग्रैंड राइड कर लेते हैं, तो देयर इज नो पर्टिकुलर शेड्यूल। ओके, अच्छा जी, इनका पैकेज हमारे पास है, जब तुम बातें जो सारी कर रहे हैं ना, वो हमने एक सीमेंट के इसको एक पैकेज बनाया है, आइए वो देखते वापस आते हैं। कल सा आपका था ये? जी बिल्कुल। अच्छा, क्या कहाँ की तस्वीरें हैं ये? हम लोग जावा डैम की राइड कर चुके हैं, वो इसमें शामिल थी। खजूर अक्सर हम ब्रेकफास्ट करने के लिए चले जाते हैं, दैट्स अ वेरी शॉर्ट राइड, फैमिलीज को लेके भी जाते हैं। शॉर्ट राइड कितने घंटे की होती है? शॉर्ट राइड इज समथिंग लाइक 40 मिनट्स, 35 मिनट्स, इट्स अ वेरी शॉर्ट राइड। लॉन्ग राइड्स आर 2.5-3 आवर्स, तो बट दैट डजंट मीन के बस दैट इज द लॉन्गेस्ट, दिस इज दैट मच के एक दफा चल के सॉरी एक दफा चल के और फिर आप ब्रेक ले लें फ्रेश होने के लिए, एंड देन यू कैन गो अनदर 2 आवर्स 3 आवर्स। ये इस तरीके से वैसे तो हमारे ग्रुप में शान इलाही साहब हैं, उनका भी मैं जरूर जिक्र करूंगा। ही है इज मोर पॉपुलरली नोन एज द पर्सन हु टुक हिज बाइकिंग क्लब, और ये लोग बाय रोड यहाँ से गए थे उमरा करने के लिए सारे। सीरियसली? तो दिस इज व्हाट वी लाइक टू डू, एंड ये है वो जो बाइकिंग का असली मजा है। बराक ओबामा जो प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के, उन्होंने एक हर्स, हम सब जानते हैं हर्स कहते हैं उसको, जो उनकी लंबी काली गाड़ी होती है जिसके अंदर वो कॉफिन रख के लेके जाते हैं, और उनके पीछे ट्रेलर्स, जब आप घर शिफ्ट करते हैं ना वहाँ पे, तो ट्रेलर्स लोग लगा के अपनी गाड़ी के पीछे शिफ्ट करते हैं, उसका नाम होता है यू हॉल, तो उसमें आप अपना सामान खुद रखते हैं, गाड़ी के साथ टो करते हैं और एक घर से कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। सो बराक ओबामा सेड कि यू विल नेवर सी यू हॉल बिहाइंड अ हर्स, क्योंकि जब आपके ताबूत जा रहे हैं ना तो फिर पीछे सामान नहीं जाएगा, सामान नहीं जा सकता। तो इसी तरीके से हमारी बाइकिंग के अंदर एक एनालॉजी एक इस्तेमाल होती है, एक बहुत पॉपुलर सेइंग इस्तेमाल होती है कि यू विल नेवर फाइंड अ बाइक आउटसाइड अ साइकियाट्रिस्ट और अ हॉस्पिटल, साइकियाट्रिक्स क्लिनिक और हॉस्पिटल, क्योंकि जो लोग बाइकिंग करते हैं वो इतने खुश रहते हैं, इतने शादाब रहते हैं, ज़हनी तौर पे एग्जैक्टली कि वो उनको बीमारियों से बचा के रखते हैं। होना बहुत जरूरी, आप लोग एड ऑन कर सकते हैं, आप लोग बिल्कुल बात को बढ़ा सकते हैं आगे कि बहुत जरूरी है कि हमारे पास कोई ना कोई पॉजिटिव ऐसी हॉबी, कोई एक्टिविटी हो। हर कोई तो बाइक सपोर्ट कर नहीं सकता, लेकिन जो आपकी रेंज में वो जरूर करें। अच्छा, इसमें ये आपने बहुत अच्छी बात की है, और ये जो बाइक अफोर्ड करने का है, मैंने भी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मेरे पास इस तरह की हैवी बाइक होगी। तो जब मैं 50 क्रॉस कर गया, दैट वाज द फर्स्ट टाइम, जी वो देखने से लगता नहीं, मेकअप करवा गए हैं ना काफी सारा, आधे घंटे वाला मेकअप, सही है सही। तो वो उस वक्त फिर मैंने अपनी पहली हैवी बाइक ली थी। There is no age limit. हमारे ग्रुप में 75 years के लोग भी हैं, 74 के भी हैं, बल्कि मेरे फादर इन लॉ हैं, he's also retired colonel, तो उनको भी मैंने इस तरफ जो है वो लगा दिया है, और अब वो भी जो है सुबह सुबह जिस वक्त उनकी बेगम नाश्ता कर रही होती है तो वो बाइक चला के, और तो मदर इन लॉ कहती नहीं है नहीं, वो कहती है कि अगर गिरे तो मैं तुमसे पूछूंगी। एक और बहुत जरूरी चीज ये है कि जैसे मैंने बताया, हमारी यंगर जनरेशन समझती है कि सिर्फ भगाना और शो मारना, तो उस खैर शो तो बिल्कुल नहीं मारनी चाहिए। असल में बात यह है कि इस बाइकिंग के जरिए जो हमारा सबसे बड़ा, मैंने आखिर में जिक्र इसलिए किया क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, और वो ये है कि हम अपनी इस बाइकिंग के जरिए लोगों को, जवान नस्ल को ये पैगाम देना चाहते हैं कि दीन की तरफ भी वापस आओ। बिल्कुल सही। सो हम लोग जहाँ कहीं भी जाते हैं एज अ ग्रुप, तो बाजमात नमाज जरूर पढ़ते हैं, मिस नहीं करते, बल्कि राजा जियाउल हक साहब को ग्रुप में शामिल करने की बेसिक वजह यही थी, जुल्फी भाई का आइडिया था कि हम उनसे उनके इंतहाई हेक्टिक शेड्यूल में उनसे ज़रूर इजाज़त लेंगे कि वो आके कभी यूथ के लिए एक लेक्चर दे दें, तो जितने बाइकर्स घूम लेके तो चले जाएंगे, अब तो आ गए तो नाउ दे हैव टू लिसन टू दैट लेक्चर। ऐसे भी अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि इंसान
को मैंने जिनों को और इंसानों को इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करें. बिल्कुल. सो बेसिकली वी हैव टू डू दैट. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जी. अच्छा, जो आप लोगों का अटायर है, इसी को खास वजह होती है रफ एंड रगेड से लुक दिखाने के लिए? ये तो ये जवाब सही दे सकते हैं. ज़ुल्फ़े भाई, नहीं, इट्स अटायर का तो ये है कि यू नीड टू वेयर द सेफ्टी गियर. सेफ्टी जरूरी है. अच्छा, इन्होंने तो बाहर पहनी हुई है, हमारी इसके अंदर है. ओह, ये इसके अंदर है पैडिंग. सही सही सही. और यहाँ भी है मेरी तो, और नॉर्मली जैकेट्स में इधर भी होती है और पीछे भी होती है. ठीक है. एंड देन यू वेयर द हेलमेट. हेलमेट इज मस्ट. एग्जैक्टली. तो ये मैंने किसका हेलमेट पहना था? ये मेरा था. अच्छा, सही. राइडिंग शूज और बूट्स ऑब्वियसली यू वेयर. ठीक है. तो अटायर इसलिए ऐसा बनता है सेफ्टी के लिए. सेफ्टी के लिए मेन. लेकिन वो हीरो वाली लुक आ रही होती है ना, थोड़ी दबंग किस्म की. हाँ, वो तो फिर साथ में आ जाती है. अब इतना हम्बल तो ना हो ना, अच्छा लगता है आपको भी. थोड़ी बहुत लिव टू राइट, राइट टू लिव. ऑसम, जबरदस्त जी. हेलिंग, आप बताइए कैसा लगता है इस पैशन को फॉलो करना? मैं चाहती हूँ कि आप बोलें. जी जी, बड़ा ज़बरदस्त लगता है, क्योंकि जवानी में कुछ अर्सा मोटरसाइकिल वगैरह चलाया था, बड़ी लंबी ब्रेक आई क्योंकि काम वगैरह. फिर दोबारा लोगों को देख के दोस्तों ने शुरू की राइड. हाँ. तो फिर उन्होंने मुझे भी खींचे. अच्छा, जवानी एक स्टेट ऑफ माइंड का नाम नहीं है? मतलब जवान तो आप 70 साल के भी हो सकते हैं. जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, सही है. आज हमने तमाम बातों को जो है निगेट कर दिया. अच्छा, अगला जो पैकेज है वो आई थिंक ज़ुल्फ़ी का होगा मेरे ख्याल से. देख लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे उसको. जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त. इतनी पॉजिटिव एक्टिविटी है कि किसी नेगेटिविटी की तरफ जाने का तो आप लोगों को टाइम नहीं मिलता होगा, ध्यान ही नहीं जाता होगा. नहीं, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव टू स्टेट्स ऑफ माइंड होते हैं जी, तो ये आपकी जिंदगी में साथ ही चलते हैं. तो इधर यू आर अ नेगेटिव पर्सन और यू आर अ पॉजिटिव पर्सन. अगर आप हर चीज़ के जो हैं वो दो पहलू होते हैं. अगर आप हर चीज को पॉजिटिवली लें तो हर चीज ठीक होती है. हाँ, सही है, बिल्कुल सही. ये बस स्टेट ऑफ माइंड है. बिल्कुल सही. तो आप जो भी काम करें पॉजिटिवली सोचें उसको, तो वो पॉजिटिव ही होगा. बिल्कुल सही. अच्छा, पहली बाइक आप लोगों को याद है कौन सी थी? ये इसी से आप लोगों ने शुरू किया था? मेरी सबसे पहली जो थी दैट वाज आल्सो अ हार्ले डेविडसन. ठीक है. 883 कहते हैं उसको, 883 सीसी ही के नाम से उसका नाम है. तो वो 883 सीसी थी, ब्लैक. वो लड़कियों वाली बाइक होती है. लड़की वाले क्या फर्क है, झुमके पहने होते हैं उसमें. नहीं, वो छोटी का दुपट्टा नहीं होता. वो छोटी होती है ना. छोटी होती है, मज़ूम सी होती है. बाहर वो लड़कियां चिल्लाती हैं. ओह, अच्छा, सही है. तारीफ हो रही है बेइज्जती के अंदाज में. इनको देने से पहले मैंने बताया था. अच्छा, लड़कियों वाली है. मैं लड़कियों वाली. मेरे पास उस वक्त बजट इतना ही था. इन्होंने कहा नहीं, मैं मेकअप शेकअप करता हूँ तो मेरे लिए आधे घंटे वाला. अच्छा, सही है. वो थी पहली बाइक आपकी? Yes, exactly. आपकी जी कौन सी बाइक थी? मैंने तो जी सीखी थी चलानी अब्बू के वेस्पे पे. ओह, अच्छा, पाकिस्तान में. सही सही सही. तो उसके बाद सबसे पहली जो बाइक मैंने ली थी यहीं पाकिस्तान में बिफोर आई मूव्ड, कावासाकी थी GTO 110 110 cc. ओके. फिर मैंने ली थी यामाहा इंडियोरो. उसके बाद मैं फिर बाहर चला गया. बाहर चले गए थे तो वहाँ मैंने 7-8 साल बाइक नहीं चलाई, क्योंकि ऑब्वियसली देन यू नीड अ मोटरसाइकिल लाइसेंस. बिल्कुल बिल्कुल. तो फिर वहाँ पर मैंने यामाहा R1000 cc खरीदी. ओके. उसके बाद मैंने हार्ली खरीदी, वी रॉड नाइट रॉड स्पेशल. ठीक. तो उसके बाद से हार्लीज ही चला रहा हूँ. उसके बाद देन आई हैड सॉफ्ट टेल, आई हैड ब्रेक आउट, आई हैड स्ट्रीट ग्लाइड. तो जब से स्ट्रीट ग्लाइड, दीज आर ऑल बाइक नेम्स. ये स्ट्रीट ग्लाइड है जिस पे आप बैठी थी. अच्छा, सही सही सही. तो वो तारीखी लम्हा जी. जब से फिर मैं स्ट्रीट ग्लाइड चला रहा हूँ तो उसके बाद से स्ट्रीट ग्लाइड ही चला रहा हूँ. ठीक हो गया. ठीक. जो आपने सवाल किया, सॉरी जी जी प्लीज, जो आपने सवाल किया कि यू ड्रेस अप लाइक दिस, मैं जब इनके पास गया तो ही हैड अ लॉट ऑफ बाइक्स. ठीक. तो उसमें से मुझे सबसे खूबसूरत ये लगी, नो डाउट हार्ली डेविडसन इज अ नेम. 1903 में इसका आगाज़ हुआ था, सो दे वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड रियली गुड इन मेकिंग बाइक्स. तो इन्होंने जब मुझे वो हार्ली दे दी तो मैं बस जाने लगा लेके. उन्होंने कहा अभी इतनी जल्दी कहा. फिर इन्होंने मुझे बताया कि हार्ली इज नॉट जस्ट अ पैशन, इट्स अ वे ऑफ लाइफ. तो आपको फिर अब जैकेट भी उसी तरह की. हाँ, और बूट्स भी उसी तरह के और ग्लासेस भी उसी के और ये बैंडाना भी उसी तरह का. तो ये सारा कुछ आपको करना पड़ेगा because you have to change your lifestyle. Exactly. वो तो सेल्स पिच थी ना. वो चीजें बेच के. अच्छा, आप तो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं ना, वो बैंडाना वगैरह पहन के बिल्कुल टोटली लुक डिफरेंट चेंज हो जाती है ना. वरना मैं बहुत मासूम सा आदमी हूं. हमें क्या पता.
बस बेगम से ना पूछिएगा, कॉल मिलाएं बेगम को, इनकी नंबर दे दीजिए ताकि भाभी से बात करें हम। अच्छा आप बताइए जहलीम। मैं तो ये था कि मैंने 150 सीसी डेली चोर्स के लिए लिया, फिर उसके बाद उसी पे थोड़ा सा ट्राई करते सौदा बदल लेते हैं। हां बस यही समझ में इंडियन मेगा के सामने ही करना पड़ा होता है। फिर उसके बाद थोड़े से बाइक को थोड़े से बड़ी कैटेगरी में गया, लेकिन उसमें ये था कि ट्रैवल के बीच में एक दफा फॉल हुई तो उसमें पूरा बाइक डैमेज हो गया साइड से ना, तो फिर मुझे एहसास हुआ कि अगर ट्रैवल करना तो आपको एडवेंचर बाइक की जरूरत है जो कि मल्टीपल फॉल्स ले सके, प्लस जाहिर उसकी सस्पेंशन ट्रैवल और हाइट होती है तो हर किस्म की जगह पे लेके जा सकते हैं। तो देन आई वेंट फॉर दिस बाइक, ये भी लास्ट टू इयर्स मैं चला रहा हूँ, तो काफी मैं 37,000 किलोमीटर चला चुका हूँ दो साल में, तो इस पे मैं यानी फ्रीक्वेंट ट्रैवल करता हूँ। तो जो यंगर लॉट हमारे प्रोग्राम देख रहे, जो बच्चे देख रहे, इनको शौक है बाइकिंग का, उन्हें क्या एडवाइस देंगे आप? सबसे पहले तो ये दूंगा कि वालदैन को खुश रखें, क्योंकि उनकी दुआ के बगैर आप बाइक सेफली नहीं चला सकते। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं बड़ा मशकूर हूँ, नहीं शुक्र इतना अदा कर सकता कि शब रोज़ मेरी वालदा जो हैं वो मेरे लिए जो है चाहे फिक्र से चाहे जैसे भी, लेकिन खैर पेरेंट्स तो करते ही हैं तो वो दुआ करती रहती हैं कि सेफ्टी हो। बाइक एक ऐसा शोबा है कि इसमें गिरते ही गिरते हैं, लाजमी। एग्जैक्टली, तो जब आप अपने आप को ये माइंडसेट बना के और फिर चलाते हैं तो ये वो वक्त होता है कि फिर आप ज़्यादा कॉशियस होते हैं, और जितना अपने आप को इंसान ये बताता चला जाएगा कि मैं तो माहिर होता जा रहा हूँ या हो गया हूँ, तो दैट इज़ समथिंग जो बहुत रेकलेस है, बहुत डेट्रीमेंटल है, और अल्लाह ना करे, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, लेकिन ऐसे में बाइक का एक्सीडेंट लाजमी होता ही ठीक है जी। ब्रेक लेते हैं जी, we have to take a small break. Zulfi, aap break lenge, aap announce kar sakte hain break, वैसे तो बड़ी bike चलाते हैं। This is the camera. क्या कहना है break में? बताएं मुझे। हम छोटा सा break ले रहे हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। हम छोटा सा break ले रहे हैं जी, वापस आते हैं और आपसे मिलते हैं। हमारे साथ रहिए। हमारे साथ रहिए। हमारे साथ रहिए। जी जी जी, वेलकम बैक, वेलकम बैक। और आप देख रहे हैं K2 सर, मेरे साथ मौजूद हैं द रेबल्स, जो कि हैवी बाइकर्स का एक ग्रुप है, लेकिन मुख्तलिफ कॉज के साथ ये लोग चल रहे हैं और अवेयरनेस भी ये लोग फैलाते हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर, चाहे वो कैंसर के हवाले से हो, चाहे वो माँ बाप के हवाले से हो कि ओल्ड होम्स जाते हैं वहाँ भी लोगों से बात करते हैं। प्लस एक बड़ी अच्छी उन्होंने बात की कि मुख्तलिफ कब्रिस्तान हम जाते हैं फातिहा खानी के लिए अपने बुज़ुर्गों को, हमारे जितने भी जानने वाले प्यारे जो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वहाँ की सफाई सुथरे का ख्याल नहीं रखते हैं और एक खौफ सा आता है, तो इस चीज़ पर भी उन्होंने बात की। क्या क्या प्रोजेक्ट आप लोग अब तक कर चुके हैं और इस तरफ जाने का ख्याल कैसे आया, कौन बताएगा? जैसे जुल्फी भाई ने बताया कि वी जस्ट मेड दिस ग्रुप इन नवंबर, ठीक है, तो इसलिए अभी हमने बहुत अपने प्रोजेक्ट ज़्यादातर पाइपलाइन में रखे हुए हैं। जो एक कर चुके हैं हम, उसमें F9 पार्क अगर आप जाइए तो वहाँ पे सुंदस फाउंडेशन के नाम से एक इदारा है, दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। ये जो थैलेसीमिया पॉजिटिव या थैलेसीमिया मेजर वाले बच्चे होते हैं जिनको मुतवातर कभी कभार महीने में 4 दफ़ा 2 दफ़ा भी खून लगता है और बाकायदा बहुत, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर, तो उन्होंने एक दफ़ा दावत दी थी कि अगर आप लेके आ सकें बाइकर्स को इधर तो बच्चे भी ज़रा देख के खुश हो जाएंगे, और ब्लड डोनेशन का भी अगर आप कुछ अरेंज कर सकें। सो हमने एक ब्लड ड्राइव की थी सुंदस फाउंडेशन को सपोर्ट करने के लिए, जिसमें ब्लड डोनेशन का भी शामिल था सिलसिला। सिंस वी आर स्टिल ग्रोइंग, तो इट वॉज नॉट ऑन दैट स्केल जो हम चाह रहे थे, लेकिन इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ पहला कदम तो उठा लिया ना आपने, इट्स वेरी इजी। बिल्कुल सही, पहला कदम उठाना जरूरी है। बिल्कुल सही, वो फिर हजार मील पूरी हो जाती है। एग्जैक्टली जी। अजी जनाब आपका बहुत शुक्रिया, सजा आपकी मैंने खत्म कर दी, मेरे ख्याल से काफी देर से खड़ी है, दिखाएं तो सही ना जरा, यहाँ लेकर आए ना, या मैं आ जाऊँ उधर, आप यहाँ आ जाए, मैं आ जाती हूँ, मैं जरा मेहमान बोलेंगे उसको बोले जा रही शाशलिक शाशलिक, खिलाया हमें है नहीं ले जी। हाँ जी, चिकन शाशलिक ज़ैनब के स्टाइल में तैयार हो चुका है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। बस अब मैं जा रही हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच ज़ैनब। जब भी खाने बनाती हैं सर, बड़े मजे की बनाती हैं। आप लोग कुछ डाइट कॉन्शियस तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। चलें ट्राई करेंगे, यहाँ रख देती हूँ मैं यहाँ रख रही हूँ ताकि आपका जब दिल चाहे अपने घर समझें इसको, जी जी आराम से खा सकते हैं जी। अच्छा, बात हुई थी कि हम लोग अभी ब्रेक में ये बात करते थे कि हम उम्र को अपनी एज को लिमिट कर देते हैं कि इस वक्त उम्र में ये काम करना है, उस उम्र में ये काम नहीं करना, हालांकि ये बड़ा गलत है। मेरे नज़दीक ये कि जब हम एक खास एज तक पहुँचे तो कोई हमारे जहन में कोई रिग्रेट ना हो, कोई पछतावा ना हो कि हाई हमने उस वक्त ये काम क्यों नहीं किया, ये काम क्यों नहीं किया। तो मेरे ख्याल से आप लोग इस बात को इंडोर्स करेंगे, मानेंगे कि अगर आपने कुछ पैशन फॉलो करना है तो कल क्यों, आज ही और अभी क्यों नहीं। एब्सोल्युटली, एक टर्म बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होती है
मिड लाइफ क्राइसिस, और ये मिड लाइफ क्राइसिस तकरीबन आपके 40-45 की एज में जो है वो शुरू हो जाती है। हम लोग जितने भी, ख़ास तौर पे मर्द हजरात ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ख़वातीन भी इसे आज़ाद हैं, मर्द हजरात वो जिन्होंने सिर्फ फैमिली को प्रोवाइड करने के लिए या अपने आप को ग्रो करने के लिए लगातार वो बस काम 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 करते रहते हैं, तो एक थोड़ी सी उम्र में आके जब उनके पास कुछ असासे इकट्ठे हो जाते हैं और थोड़ा रिलैक्स करने का टाइम होता है, यानी दाएं बाएं देखने का, तब उनको नज़र आता है कि लोग क्या क्या कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें जिससे उनको खुशी मिल रही है, और वो अपनी ज़िंदगी कैसे जी रहे हैं। उस ज़िंदगी के जीने से जो सबसे अच्छी, यानी कि उसका जो रिटर्न होता है वो आपकी अपनी फैमिली को होता है, क्योंकि अगर मैं सारा दिन मेहनत करूंगा, थकूंगा, हारूंगा, तो मैं घर आके भी चिड़चिड़ाऊंगा। Exactly. तो मेरी बेगम, हाँ। अब मेरी बेगम सारा दिन घर पे, या मेरे बच्चे जो है सारा दिन घर पे इसलिए इंतजार नहीं करते कि मैं बाहर से चिड़चिड़ा होकर आके घर पे उनके ऊपर गुस्सा निकालूं। सो इफ आई एम गोइंग टू मेक माई सेल्फ हैप्पी, आई एम गोइंग टू कीप देम हैप्पी। तो इस हवाले से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जिंदगी एक दफा मिलती है, वन टाइम चांस है, भरपूर तरीके से गुजारना चाहिए, और जब आपके पास कुछ ऐसा वक्त हो तो दूसरों को भी फायदा दें, समझाएं, अवेयरनेस होनी चाहिए। जी जुल्फी, आप बात को बढ़ा सकते हैं आगे। जी, हर जैसे आप बात कर रही थी कि हर चीज़ में पॉजिटिविटी होनी चाहिए, पॉजिटिव एक्टिविटीज़ करनी चाहिए इंसान को, और उसके लिए एज लिमिट ज़रूरी नहीं है। किसी भी एज में आप कुछ भी कर सकते हैं, और जो काम भी करें उसको प्रॉपरली करें, बिल्कुल दिल से करें, दिल से करें, हाफ हार्टेडली कुछ मत करें, बिल्कुल। जिस चीज से आपको, चाहे कुछ भी हो, जिस चीज से आपको खुशी मिलती है, आप उसको फुल ऑन करें, बिल्कुल सही। और क्या लोग क्या कहेंगे, ये नहीं कभी सोचा आप लोगों ने? लोगों का बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। और क्या? क्योंकि लोगों को आप खुश नहीं कर सकते। वेरी राइट। एज लॉन्ग एज यू आर कंटेंट विद योरसेल्फ, क्योंकि हर आदमी के अंदर कॉन्शियस होता है, हाँ, जमीर होता है, बिल्कुल सही। आप कोई गलत काम करेंगे वो आपको बताएगा, बेशक आप किसी से जिक्र करें या ना करें, वो आपको जरूर बताएगा। आपने अल्लाह ताला को जवाब देना, और आपका ज़मीर आपको बताएगा कि ये आप गलत काम करके आए, तो आप उसको सबसे पहले अपने आप को मानसरेबल होते हैं। अगर आपका ज़मीर मुतमईन है, देन लोगों को तो हु केयर्स वो एनीबडी एल्स। लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोगों का तो यही काम है, लोग तो किसी को खुश देख ही नहीं सकते। और क्या, और क्या। तो बातें सुनने को मिली आप तीनों को भी आसपास के लोगों से, कहा कुछ नहीं किया, क्या कर रहे हैं ये देखो? कभी बहुत मिलती हैं, अभी भी बहुत, हाँ हाँ, हर वक्त मिलती हैं, हर बंदे को मिलती है। क्या सुनने को मिला ज्यादा? बहुत खतरनाक उसमें, पैशन में बड़ा डेंजरस है। अच्छा, इस किस्म का जी। अच्छा। हाँ। इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि दो किस्म के लोग होते हैं, एक होते हैं कि जो लोग एक्सपीरियंस पे स्पेंड करते हैं, एक लोग होते हैं जो लोग मटेरियल पे स्पेंड करते हैं। अक्सर आप देखते हैं लोग कलेक्शन ब्रांड्स की तरफ जाते हैं, बहुत एक्सपेंसिव फूड पे स्पेंड करते हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड कई लोग होते हैं वो बड़ा जो है ना ट्रैवल पे, एक्सप्लोर करने पे, बड़े कम बजट में काफी चीजें करके आ जाते हैं, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस उनका होता है। तो मैं यही इंडोर्स करूंगा कि मटेरियल वाली चीजों पे स्पेंड करने की बजाय, हाँ, बेहतर है कि आप एक्सपीरियंसेस पे स्पेंड करें। क्या, और क्या, तो हकीकी खुशी मिले आपको। इस हकीकी ब्रेक लेंगे अभी आमिर, ब्रेक लेनी है आपने, दैट्स योर कैमरा। ओ धन्यवाद। यहाँ पे हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आपके साथ हम दोबारा शामिल होंगे इन्हीं खूबसूरत बातों के साथ। सी यू आफ्टर द ब्रेक। अभी मैंने क्लोजिंग करनी होगी सर, मैं बोलूंगी, सबने बाय बाय कर देना है, हलीम बाय बाय करेंगे, ठीक है? जब मैं आपसे कहूंगी तो मैं चल यू टू, ओके बाय बाय, चले जी।